अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो मुझे ये रिसीव हुए थे। बहुत दिन हो गए रिसीव हुए, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं आपके साथ ये शेयर कर सकती। घर में आपको पता है मसरूफियत हो जाती है, तो ये पार्सल्स आए थे मेरे और ये अलग अलग आए थे, लेकिन ये कि उसके बाद मैंने इसको रख दिए थे। उसके बाद मैंने कहा मैं अनबॉक्सिंग आपके सामने करूँगी। ये मैंने 3 पार्सल मंगवाए थे और ये सबसे पहले जो है ये निशात का है, जो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, आपके सामने ओपन कर रही हूँ कि मैंने वहाँ से क्या मंगवाया था। ये निशात पर जब सेल लगी थी मैंने जब मंगवाए थे, और उसके बाद मैंने इसको कबर्ड में रख दिया, उसका देखा ही नहीं, मुझे याद भी नहीं रहा। तो आज मैंने जब कबर्ड खोली तो मुझे ये नज़र आया। ये मैंने 2 पीस मंगवाया था निशात से, और ये लॉन है, ये इनकी सेल लगी थी, मैंने वहाँ से मंगवाया था। और ये शर्ट एंड दुपट्टा है ये, और ये लॉन का है, और इसका कलर बहुत खूबसूरत है, लाइट पर्पल कलर है इसका, और इसका ऑल ओवर प्रिंट है, इसका कोई बॉर्डर नहीं है, और सिंपल इसका ये दुपट्टा है पर्पल कलर का। मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, जो दुपट्टा डिफरेंट हो, डार्क कलर का दुपट्टा हो, लाइट शर्ट हो, या लाइट शर्ट हो डार्क दुपट्टा हो। ये इसकी कैटलॉग है, ये आप देख लें, और ये इनका हिट आर्टिकल है ये। नेक्स्ट मैंने जो मंगवाया था वो लाइम लाइट का मंगवाया था। लाइम लाइट पर भी जब सेल लगी थी मैंने जब ऑर्डर किया था, और ये भी बस रखा हुआ था, तो उसके बाद मुझे बिल्कुल याद नहीं रहे, कबर्ड में रखे रह गए, और घर में मसरूफियात की वजह से मैं इनको नहीं अनबॉक्सिंग कर पाई। आज मैंने सोचा मैं आपके साथ करती हूँ। लाइम लाइट से जो है मैंने, ये भी 2 पीस है, और ये भी इनकी सेल लगी थी, उससे मैंने मंगवाया है ये शर्ट एंड शिफॉन दुपट्टा है। अच्छा, ये ब्लैक है और ब्लैक एंड वाइट है, और ये मुझे बहुत अच्छा इसका प्रिंट लगा। ये भी ऑल ओवर प्रिंट है ये लाइम लाइट का, और इसका ये दुपट्टा है ये शिफॉन का, ब्लैक एंड वाइट, अच्छा है मटेरियल। लाइम लाइट के भी मैं ज़्यादा सूट नहीं मंगवाती, ये मैंने आई थिंक मैं सिर्फ लाइम लाइट के जो है ट्राउज़र के कपड़े वहाँ से मंगवाती हूँ, और उसके अलावा या दुपट्टे, बाकी मैं सूट बहुत कम लाइम लाइट के। ये मुझे अच्छा लगा था प्रिंट, तो मैंने कहा था जब सेल में लगेगा तो मैं इसको ज़रूर बाय करूँगी। तो ये मैंने जैसे ही ये सेल में लगा मैंने फ़ौरन से ऑर्डर कर दिया। ये ब्लैक है, इस पर डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए हैं, और ये ऑल ओवर प्रिंट है, और ये इसने वेयर किया हुआ है कैटलॉग पर। देखे मॉडल ने इसको ब्लैक ट्राउज़र के साथ किया है, तो ये है कि मैंने लाइम लाइट से इसके साथ ट्राउज़र भी ऑर्डर कर दिया था, ट्राउज़र का कपड़ा भी ऑर्डर कर दिया था साथ ही। वैसे मेरे पास बहुत सारे ब्लैक ट्राउज़र्स हैं और शलवारें हैं, लेकिन ये कि मैंने कहा चलो ये एक सूट पूरा कम्प्लीट हो जाए, तो मैंने इसके साथ ये ब्लैक ट्राउज़र भी ऑर्डर कर दिया था, और ये भी मुझे सेल में ही मिला था ब्लैक ट्राउज़र, तो ये मैंने इसके साथ ही ऑर्डर कर दिया था ब्लैक ट्राउज़र। ये इसका बिल है, ये ब्लैक ट्राउज़र और ये लाइम लाइट का सूट। नेक्स्ट मैंने V3 से एक शर्ट ऑर्डर करी थी, ये इनकी वॉल्यूम 2 में से है, और ये भी सेल पर थी। ये मुझे आज रिसीव हुई थी, हाँ जब भी मैं, तो मैंने कहा मैं आपको ये भी साथ ही शेयर कर देती हूँ। ये मैंने V3 से ये एक शर्ट ऑर्डर कर दी पर्पल कलर की, ये मुझे कलर अच्छा लगा, ये मेरे पास कलर नहीं है, तो ये मैंने सिर्फ जस्ट शर्ट ऑर्डर करी थी ये, और इसका जो ये प्रिंट है ये चुनरी प्रिंट है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये कलर भी नहीं है मेरे पास, पर्पल डार्क पर्पल है, और ये इनकी वॉल्यूम 2 में से है ये, और ये भी इनका हिट आर्टिकल है, और बहुत अच्छी शर्ट है ये। इसको मैं वाइट ट्राउज़र के साथ वेयर करूँगी, पर्पल शलवार के साथ नहीं, वाइट के साथ। तो ये भी मुझे सेल से ही मिली है, इसका प्रिंट चेक करें। और V3 के तो मैं ड्रेसेस लेती रहती हूँ, अच्छे होते हैं इनके ड्रेसेस, इनका मटेरियल बहुत अच्छा होता है, प्रिंट्स अच्छे होते हैं। तो होप है कि ये मेरी आपको शॉपिंग पसंद आई होगी। ये मैंने 2 पीस ही ज़्यादातर मंगवाए हैं, मुझे 2 पीस ही ज़्यादा आजकल इन भी यही हैं, और आप इसको वाइट ट्राउज़र के साथ, ब्लैक ट्राउज़र तो घर पर होता ही, इसके साथ आप वेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी इसको स्टिच करवाऊँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी।
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।